युक्ति हो रही है कि मैं आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार, लेखक, कवि या चाहे साहित्य की जितनी भी उपाधि उन्हें दे दें, आज के समय में वो बहुत ही कम है। मैं आदरणीय नीलोत्पल अग्रवाल जी के सामने अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप कुछ भी बोल लीजिए, हमारा गांव है, हमको सब जानता है। बढ़िया से ये तो क्या फायदा बोले बताओ, तो कोई मतलब ही नहीं है। सुना आराम से एकदम, लेकिन एकदम ध्यान से, बढ़िया। आज हम लोग सभी होली के उत्सव पर उपस्थित हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ संदेश एक गीत के माध्यम से दूंगा। और आप बेदार हुई है श्रोता सब भी सुनिएगा। अंधियारा सब ओर से घेरे, उसमें न्यारा दिया जला दो, वह राही जो भटक रहा है उसको सच्ची राह दिखा दो, वह राही जो भटक रहा है उसको सच्ची राह दिखा दो। सभी जगह ईमान प्रताड़ित, उसको तू सम्मान दिला दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी जगह ईमान प्रताड़ित, उसको तू सम्मान दिला दे। जड़ से करके कर्म बुराई, जड़ से करके कर्म बुराई, सच्चाई को दिल में बसा दे। वह राही जो भटक रहा है उसको सच्ची राह दिखा दे। स्वर्ग भूमि भी सनी खून से, उसकी खुशियाँ पुनः लौटा दे। आप एक मानव है, आपकी क्या कर्तव्य होनी चाहिए? स्वर्ग भूमि भी सनी खून से, उसकी खुशियाँ पुनः लौटा दे। जहाँ कहीं कमजोर हो कोई, जहाँ कहीं कमजोर हो कोई, उसको हिम्मत धैर्य बना दे। वह राही जो भटक रहा है उसको सच्ची राह दिखा दे। वह राही जो भटक रहा है उसको तीरा दिखा दे। जिसका हो विश्वास डोलता, उसको सुदृढ़ खूब बना दे। जिसका हो विश्वास डोलता, उसको सुदृढ़ खूब बना दे। नेक राह पर चले न सबको अभी सिखा दे। वह राही जो भटक रहा है उसको सच्ची राह दिखा दे। वह राही जो भटक रहा है उसको सच्ची राह दिखा दे। और तूफानों में नान डूबे, कष्ट जेल मजबूत बना ले। तूफानों में नान डूबे, कष्ट जेल मजबूत बना दे। चाहे कितना डगमगाए पर, चाहे कितना डगमगाए पर, अंत में नैया पार लगा दे। वह राही जो भटक रहा है उसको सच्ची राह दिखा दे। वह राही जो भटक रहा है उसको सच्ची
धन्यवाद। अब मैं होली का उत्सव है तो मैं